क्लिक बैंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टू जनरेट पैसिव इनकम। जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों को क्लिक बैंक पर बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है। क्लिक बैंक एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जिसको कंसिडर किया गया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड, जहां पर आप प्रोडक्ट सेल और बाय कर सकते हैं। तो आज हम क्लिक बैंक के बारे में बात करेंगे, क्लिक बैंक पर आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय YouTube चैनल एंड आई एम रूप गिल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम क्लिक बैंक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि क्लिक बैंक पर आपको कमीशन बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली आपको गुड कमीशन अर्न करना है, तो आप क्लिक बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मिनिमम पे आउट ओनली $10 है और ये हमें वीकली पेमेंट भी ऑफर करता है, ठीक है। तो दिस इज क्लिक बैंक वेबसाइट, यहाँ पर आप लॉग इन और साइन अप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं क्लिक बैंक पर, आपका अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप खुद को साइन अप करेंगे। लेकिन साइन अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक 100% फ्री वेबसाइट है, यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो जब आप साइन अप करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है वो ऑथेंटिक देनी है, रियल देनी है, क्योंकि इससे आपका एक अकाउंट जनरेट होगा जो कि क्लिक बैंक वेरीफाई करता है और आपको ईमेल सेंड करता है। सो आप यहां पर अपनी कंट्री देंगे, अपना नाम देंगे, अपना फोन नंबर देंगे और अपना ईमेल एड्रेस। जब आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे तो आप इन टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपना पासवर्ड जनरेट करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एंड देन आप ये टर्म एंड कंडीशन को सबमिट कर सकते हैं, राइट। जब आप यहां पर साइन अप कर देंगे, उसके बाद क्लिक बैंक आपको एक कंफर्मेशन मेल सेंड करेगा, जहां पर आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपका अकाउंट क्लिक बैंक पर जनरेट हो चुका है। तो जब आपका अकाउंट क्लिक बैंक पर जनरेट हो जाएगा तो आप उसे लॉगिन करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहां पर है तो मैंने लॉगिन किया है। तो ये आपकी एक कस्टमर आईडी जनरेट करेंगे। वो कस्टमर आईडी या तो ये अपने आप से आपको कोई अलॉट कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपनी चेंज की है, तो आप उसे चेंज कर जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक बैंक पर आपको, क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, तो आप जाएंगे एफिलिएट मार्केट प्लेस में। एफिलिएट मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी प्रमोट करने के लिए, और आप वहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट को फोकस करना है। देखिए, आपको अपनी निश बहुत ही क्लियरली पता होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आप कौन सी प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि ये वाली निश अच्छी है, इस प्रोडक्ट पर कमीशन अच्छा है, तो प्लीज आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसे प्रमोट ना करें। क्योंकि जब आप निश सेलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम फ्रीक हैं, आप जिम जाते हैं, आपको जिम की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर जाकर कोई एडुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करें, क्योंकि आपको वहां पर हाई कमीशन मिल सकता है, तो वो तो वही बात हो जाएगी, जब आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करेंगे अगर कस्टमर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है। तो सबसे अच्छा सोर्स है कि आपको जिस चीज की नॉलेज है, अगर आप उसको प्रमोट करेंगे तो आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं, कस्टमर के साथ एक गुड रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो आप यहां से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हेल्थ एंड फिटनेस सिलेक्ट करती हूं, तो यहां पर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स मुझे दिखाई देने लग जाएंगे। तो जब आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पर लिस्ट आ गई और आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको ग्रेविटी का ध्यान रखना है। ग्रेविटी क्या होती है, कैसे चेक करना है, ये देखिए, जैसे यहां पर दिया है ग्रेविटी, ठीक है, इसकी ग्रेविटी है 588। तो आप इस तरह से ग्रेविटी को चेक करें। जिस प्रोडक्ट की ग्रेविटी 30 से कम है, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू, क्योंकि अगर 30 से भी कम उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी है, दैट मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमेशा हाई ग्रेविटी वाली प्रोडक्ट को ही फोकस करें। आप यहां से भी उसे सॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप ग्रेविटी पर क्लिक करेंगे तो वो ग्रेविटी से सॉर्ट कर देगा और जो हाईएस्ट ग्रेविटी वाली प्रोडक्ट है वो आपको पहले शो होने लग जाएंगी, राइट। फॉर एग्जांपल, ये एक बैली टॉनिक है,
तो हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा अच्छी है 588, इसकी जो रिकरिंग एंड रीबिल पेमेंट है वो 34 है, तो इससे हमें क्वाइट अच्छा कमीशन मिल सकता है। तो मैं इस प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना चाहती हूँ तो मैं इस प्रमोट पर क्लिक करूंगी। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ओके, अगर ये प्रोडक्ट मैं प्रमोट करती हूँ तो मुझे 75% कमीशन मिलेगा पर सेल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट निकनेम देना होगा। रिमेम्बर, जब हमने लॉगिन किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी कस्टमर आईडी जनरेट होगी, आप वहां पर खुद से भी कोई नाम दे सकते हो, वो आपका अकाउंट निकनेम होता है। ठीक है, तो आपको वो नाम यहाँ पर देना है एंड उसके बाद आप जनरेट होप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसे आपको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना है। ठीक है, जब आप इस लिंक को कॉपी कर लेंगे तो प्रमोट करने से पहले इसे एक टैब में रन करके देख लें कि ये जो आपका लिंक है वो सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। यस, ये रन हो रहा है। और ये देखिए, अभी एंड में जो मेरी अकाउंट आईडी का नाम था, मेरा निकनेम था रूपगिल1, वो यहाँ पर पॉपअप होने लगा है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इस लिंक को किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर रही हूँ और इस लिंक के थ्रू अगर कोई भी मेरी प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसका कमीशन सीधा मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये प्रोसेस है कि आपको प्रमोट कैसे करना है प्रोडक्ट को, यहाँ से लिंक कैसे लेना है, आप अपना एफिलिएट लिंक कैसे लेंगे। ठीक है, अब उसको कहां पर प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है, कौन से सोशल वेबसाइट हैंडल्स आप लोग यूज करने वाले हो, आप लोग फेसबुक पर करने वाले हो, पिंटरेस्ट पर करने वाले हो, इंस्टाग्राम पे करने वाले हो, या फिर आप पेड ट्रैफिक लेना चाहते हो, पेड ट्रैफिक लाइक आप एड रन करना चाहते हो, या फिर आप फनल्स यूज कर रहे हो, सेल्स फनल बना रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, वो सब। तो ये तो था क्लिकबैंक, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे फनल्स बनती हैं, उन सब के बारे में मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन उसमें उसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, और उसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो भी नेक्स्ट वीक डाल दूंगी। ओके, सो जो क्लिक बैंक है, ये क्लिक बैंक की टोटल प्रोसेस है, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छा अर्न करना है तो ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक आपकी एसेट बिल्ड होती है कि आपके पास ईमेल कलेक्ट हो जाती है कस्टमर्स की। तो जैसे आपने ये बेली टॉनिक सेल किया, उसके बाद आप कोई और प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो आपके पास एक डाटा होता है, आपके पास कस्टमर लिस्ट होती है जिन्हें आप हर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, कैंपेन सेट कर सकते हो, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, ईजी रहता है। लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं इसके बारे में बाद में आप बात करूंगी, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।